सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन आज हम लोग एक ग्रेविटेशन में अभी तक हमने जो देखा है उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं कार्तिकेय स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन यस कार्तिकेय बताओ हमने सबसे पहले एक लॉ पढ़ा था क्या था वो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या था समझाओ यस yes, बोलो कार्तिकेय कोई भी दो बॉडीज हैं जिनके बीच yes, में r का डिस्टेंस और उनके Masses कितने हैं m1 और m2 m2 अगर दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस का डिस्टेंस इज आर और उनके मासेज आर एम वन तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था उसने कहा is, था is कि जो उन, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द तो फोर्स एफ क्या होती है उसकी वैल्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम है ना तो is जब हम इस प्रोपोर्शनालिटी की साइन को रिमूव करते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन आता है फोर्स इज़ इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कुछ वैल्यू होती है क्या वैल्यूलेस yes, होता है सर वैल्यू होती है, इस होती sir, होती है. Sir,

ठीक है सो ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स सो अगर इस बॉडी एम एम वन पर एम टू की वजह से राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा है ध्यान से सुनना M1 पर M2 की वजह से राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो एम टू पर उतना ही फोर्स एम वन की तरफ यानी कि एम वन की, की वजह से लेफ्ट की ओर काम करेगा इक्वल फोर्सेस पुलिंग टू बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर ठीक है अच्छा एक बात बताना कार्तिकया अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं m1 और m2 की क्या दोनों की एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगी जैसे फोर्स इक्वल लग रहा है या एक्सेलरेशन अलग-अलग होगी सोच के बोलना सर अगर फोर्स अलग-अलग लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी अलग-अलग होगी नहीं फोर्स सेम है दोनों बॉडीज पे हाँ, तो तो अलग-अलग है कौन बता सकता है एकदम शॉर्ट शॉर्ट आंसर चाहिए हैंड रेस करो दोनों पार्टिकल्स पर फोर्स लग रहा है एफ एक का मास है एम वन दूसरे के मास है एम टू आपको बताना है दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी या अलग अलग और अगर सेम होगी तो किस कंडीशन पर दैट इज द क्वेश्चन ठीक है तेजस विराज और आयुष हैव रेज्ड हैंड्स ओके okay. कार्तिक पहले कोई व्यू पॉइंट है तो बताओ यस yes, सर हाँ सर शायद सेम वर, स, सर सेम नहीं सर एक्सेलरेशन सेम नहीं होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए ठीक है तेजस से जानते हैं हां तेजस क्या विचार है ये तो सेम नहीं होगा और सेम तभी होगा जब मास भी इक्वल होगा और इसको मैथमेटिकली समझा सकते हो क्या हम मैं एक सवाल क्या है इज एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी राइट सो इफ यस और नो आपको कंडीशन बतानी है तो इसको मैथमेटिकली जरा एक्सप्लेन करो कब नहीं होगा और कब होगा हम्म इफ फोर्सेस आर इक्वल तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है हम so, जानते हैं अच्छा ये कहां से आया एफ इज इक्वल टू एम ए किसने सिखाया हमें सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन दैट पुट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सॉरी 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 टम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम की क्या वैल्यू होती है मोमेंटम इज अ क्वान्टिटी जो की ऑप्टेर होती है जब आप किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलॉसिटी का प्रोडक्ट ले राइट सो इफ एनी बॉडी हैजेलोसिटी वी एंड मास एम तो आई कैन राइट इस पी के जगह Mass or and, uh, Shryansh, हो सकता है तो घबराना इज अन्ट कॉल डिफ्रेंसियन आप लोग जब मेरे साथ पढ़ रहे हो गए अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस या जब आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे यू विल गेट बी अंडरस्टैंडिंग ठीक है हुँ. आगे कंटिन्यू करो आप हम क्या sir. कर सकते हैं so...

क्या कि अगर कोई गाड़ी के तुम velocity, की तुम वेलोसिटी यानी कि स्पीड इन सम डायरेक्शन बदलते हो तो मतलब तुम गाड़ी को क्या कर रहे हो एक्सिलेट है ना? तो दिस इज इक्वल टू एम ए तो यहां से हमने क्या प्रूव किया ये इतनी बड़ी गाथा क्यों गाई हमने समझाया कि भैया देखो फोर्स इज गिवन एज मास इन टू एक्सिलरेशन अगर मास की वैल्यू न बदले या कॉन्स्टेंट रहे ठीक है हाँ आगे बोलो तो ये ऐसा है अब अब क्या हम्म

इक्वल इन मैग्निट्यूड होते हैं लेट से अगर एक फोर्स है दस हजार न्यूटन का है ना तो ये भी दस हजार न्यूटन का फोर्स लगाएगा बट फोर्सेज डिफरेंट बॉडीज पर काम करेंगे हमेशा एक ही बॉडी पर दो फोर्स काम नहीं करेंगे है ना फोर्सेज हमेशा डिफरेंट बॉडी पर काम करेंगे और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे ये कहता है थर्ड लॉ थर्ड लॉ यस आगे बोलो yes, sir, so... हाँ तो एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं m into as for the first body Ki m1 into a1, a1. M1, a1 m1 into a1. A1. okay fair and f uh, for second body will be m2 into a2 okay hmm. so when m1 is equal to m2 then only a1 will be equal to a2 hmm. and if m1 is not equal to m2 then a1 will also not be equal to a2 ठीक है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट ए वन इज इक्वल टू एफ बाय एम वन यहां से लिख सकते हैं ए टू इज इक्वल टू एफ बाय टू जब भी कभी हमारे पास एम वन और एम टू सेम हो जाएंगे राइट वेन एवर एम वन इज बिकम्स इक्वल टू एम टू ऐसे केस में ही फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर मासेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है, है ना तो स बात है दीज वैल्यूज कैन नॉट बिकम इक्वल टू ईच अदर ठीक राइट तो ये छोटा सा फैक्ट है देखो कितनी सिंपल बात है लेकिन एग्जाम में इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा एंड यू विल कीप थिंकिंग करे सर क्या करें ठीक है सो so, राइट right. अगर ये सवाल ये कॉन्सेप्ट ये बातें इस पेज पर जो भी लिखी हैं आपको अगर क्लियर हुई हैं सभी को तो आपको अपने हैंड्स रेस करने हैं यस क्लास अगर क्लियर हुआ है तो हैंड रेस करो कोई डाउट हो तो आप ही लोग आंसर करोगे है ना जिनको समझ में आ गया वो बताएंगे राइट right. अगर क्लियर हो गया है तो हैंड रेस करो यस क्लास ओके श्रेयांश आपका हैंड रेस नहीं है कुछ डाउट है पूछो यस yes, श्रेयांश बोलो

विराज ने एक खास तरह की बात कही उसने कहा कि सर ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये कंजर्वेटिव नेचर का है तो मैं जब मैंने पूछा अरे ये कंजर्वेटिव क्या होता है तो उसने जवाब दिया कि सर कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कॉन्स्टेंट रहती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और इसका मतलब क्या है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब जरूर मैकेनिकल एनर्जी के कुछ पार्ट्स होंगे क्या होती है विराज किस किस, किस तरह की मैकेनिकल एनर्जी होती है बोलो एक होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एक होती है पोटेंशियल उसको अपन यू से डिनोट करते हैं और एक होती है काइनेटिक जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं ठीक है सो यू इज पोटेंशियल एनर्जी एज इज काइनेटिक एनर्जी ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होता है यहीं पर बहुत सारे बच्चे जे और नीट के पेपर में गड़बड़ करते हैं उनको समझ में नहीं आता कंजर्वेटिव क्या होता है अरे कंजर्वेटिव मतलब कोई चीज कंजर्व हो रही है खराब नहीं हो रही है बच जा रही है सो समथिंग विच डज नॉट चेंज इज कंजर्व या कॉन्स्टेंट तो कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जिनके इम्पैक्ट में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है ना सो अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, टोटल एनर्जी ऑफ़ सिस्टम, कांस्टेंट, दिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब अगर दो स्टेट्स दी हुई हैं, दो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं, लेट्स से किसी एक पॉइंट पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है यू वन और उसकी काइनेटिक एनर्जी है लेट से यू आई और के आई मतलब पोटेंशियल एनर्जी यू आई काइनेटिक एनर्जी के आई और थोड़ी देर के बाद लेट्स एनर्जी हो जाती है के एफ और पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है यूएफ तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी विराज हम्म कंडीशन so, yes, तो आ जाती है यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल बताओ ग्रेविटेशन सब के फी के टर्म्स uh, में हम्म बोलो लेट्स से अगर हमने यहाँ पर पहले तो इनको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा है ना ओके okay, वो डिराइव कराओ यस yes. क्या हो जाएगा अच्छा अगला पॉइंट जो विराज ने कहा कि सर इसी एनर्जी इसी फोर्स को कंजर्वेटिव अगर होता है फोर्स तो एफ कंजर्वेटिव इज गिवन एज माइनस डी यू बाई डी एक्स फिर विराज ने एक और बात कही कि सर ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना इनके लिए ही मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है ऑल दो इसने कहा नहीं बट मैं एड ऑन कर रहा हूँ इसके एक पॉइंट को क्या कि सिर्फ और सिर्फ इसको अपने पास एज अ नोट लिखना अगर आपको ये याद नहीं था ऑल हमने लिखा है क्लास में अगर भूल गए हो तो दोबारा नोट डाउन करो कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना पोटेंशियल एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही होता है मतलब जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ठीक है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं एग्जाम्पल है एक तो ग्रेविटेशन फोर्स क्योंकि अभी हमने कह ही दिया है कि वो कंजर्वेटिव इन नेचर है अगला होता है स्प्रिंग फोर्स ठीक है स्प्रिंग फोर्स जो कि कब लगता है अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करो या एक्सपैंड करो ठीक है तब उस पर जो फोर्स या स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है उस ऑब्जेक्ट पर जो उसको कंप्रेस या एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है

उस माउंटेन से लेट से देर इज सम काइंड ऑफ वाटरफॉल या फिर अगर कोई बॉल है किसी एक हाई पॉइंट से लोअर पॉइंट पे गिर रही है सो वॉट इज हैपनिंग वो बॉल बेसिकली नीचे आ रही है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी अब भी उनका जो सम रहेगा वो नहीं बदलेगा है ना दिस इज दिस इज वॉट दिस कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट इन ब्रीफ सो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली वेन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग अच्छा और और कुछ बताओ इसके बाद हमने क्या पढ़ा था लेट्स अगर प्रॉपर्टी हाँ कौन सी की? बोलो बोलो सर इट एक्ट सेंटर हम्म ऐसे फोर्सेस जो सेंटर के अलोंग काम करें उनको अपन सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं क्या कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस तो ग्रेविटेशन एक खास तरह का फोर्स है जिसको अपन कह सकते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स मतलब अगर दो बॉडीज हैं है ना एक बड़ी एक छोटी तो इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है that acts along the center. इसके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं चलो दिस आर सेंट्रल फोर्सेस ठीक है अच्छा आई गिव यू ऑल द नोट्स ऑफ द क्लास तो फिर अगर क्लास में कुछ छूट जाए लिखना तो उसके लिए हड़बड़ी करके लिखना मत पहले समझ लेना that is more important, फिर लिखने का काम तो होता रहेगा ठीक है।, right? है। Under -root GMI, GMI okay. एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आपने टू वीई की हाइट टू वीई से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो एक इनफाइनाइट हाइट पर जाकर उसकी क्या वेलॉसिटी होगी जब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को लीव कर रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर या उस प्लान की ग्रेविटेशन फील्ड को लीव कर रहा होगा ऐसे टाइम पर जो आंसर को कैलकुलेट करने के लिए हमने इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक किया क्यों किया बिकॉज ग्रेविटी कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है हम्म आगे बोलो भैया जी बताओ क्या करें आप okay. so, की जगह टू वी डालेंगे क्योंकि हां तो यहां पर एक्चुअली वेलोसिटी इज 2ve है ना सो गुड सो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना 2ve का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ माइनस जीएमएम बाई आर प्लस एम बाई टू टू बी मतलब फोर वी स्क्वायर राइट और वीई स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं टू जी एम बाई आर कैसे लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं वीई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई आर इसका मतलब हम लोग वीई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं टू जी एम बाई आर आगे बोलो हम्म क्या लिखे आगे इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यही वी हमको निकालना है है ना करो कैलकुलेट yes करो क्या हो जाएगा ये टू से टू कैंसिल होगा और क्या हो जाएगा फोर माइनस वन कितना आ जा रहा है थ्री जी एम एम बाई एक बार चेक करो विराज ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या यस सर हम्म तो अब वेलोसिटी कितनी निकल के आती है देखो क्या कैंसिल कर दें और एम कैंसिल कर दें क्या हो जाएगा yes. फिर v इज इक्वल टू सिक्स जी बाय आर सर अंडर रूट यस है ना अच्छा अब इसको yes. मैं एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो क्या होगा बोलो सर 6 को अपन 2 into 3 लिख सकते हैं हम्म फिर फिर क्या करें सर तो फिर अपन अंडर रूट 3 जीएम अंडर रूट जीएम बाय आर को एस्केप वेलोसिटी के, के टर्म में लिख सकते हैं कितनी आएगी बोलो ना फाइनल वेलोसिटी 3 अंडर रूट ऑफ अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम में तुमसे क्या पूछेगा तुमको वी नहीं पूछेगा तुमसे ये पूछा जाएगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू सम है ना टाइम्स ऑफ वीई और बस तुम्हें के की वैल्यू बतानी होगी एक सिंपल सा फॉर्मेट है ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने टाइम्स हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी अपने है ना या फिर लेट्स से ये पूछ लेगा कि जो भी फाइनल वेलोसिटी आ रही है अगर मैं उसका और जो इनिशियल वेलोसिटी थी सपोज वी आई उसका अगर रेशियो ले लू तो क्या वैल्यू आएगी ये तुमको निकालना है बोलो क्या आएगी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का रेशियो तुमको बताना है तो रूट पक्का? मैं आंसर गलत है रूट थ्री इज नॉट द राइट आंसर समझाओ सबको फाइनल वेलोसिटी कितनी है

और फाइनल वेलोसिटी निकल के आई रूट थ्री टाइम्स ऑफ हमें पूछा जा रहा है फाइनल इज इज टू इनिशियल का रेशियो कितना होगा सो द राइट आंसर लेट्स से आपके पास ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे बच्चा देखना रूट थ्री देखते ही पहले उसको टिक करेगा इसलिए वो लोग क्या करेंगे आपको रूट थ्री को एज फर्स्ट ऑप्शन देंगे क्योंकि उनको पता है कि विराज के दिमाग में ये चीज पहले स्ट्राइक करने वाली है ये जो तुम्हारे पेपर होता है ना बहुत साइको एनालिस्ट लोग बनाते हैं वो जानते हैं बच्चे की प्रवृत्ति कैसी है एंड देन दे कैच यू देर जहां गड़बड़ किए तो फंसे और एक नन ऑफ दी ऑप्शन भी रहेगा तो जिस बच्चे को कुछ समझ भी नहीं आएगा बोलेगा सर ये सही है सर लेकिन ये गलत है सर सही आंसर कितना है बोलो बी क्या हम अपने आंसर से संतुष्ट हैं देख लो एक बार हो सकता है गड़बड़ हुई नहीं सर है संतुष्ट है संतुष्ट चलो अच्छा विराज तो संतुष्ट है बाकी लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हाँ चलो ओके okay, ग्रेट तो हमने क्या क्या देखा हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अलावा एस्केप वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट देखा राइट right? अब आप लोगों को श्रेयांश एंड शिवांजलि आप लोग मुझसे एक बार कॉल करके बात कर लो आफ्टर फाइव टू टेन मिनट्स ठीक है एंड वी विल डिस्कस अ प्लान कि आपका रिमेनिंग सलेबस कैसे कम्प्लीट कराना है लेट्स आप लोगों में से क्लास में कोई और है जिसकी पिछली कुछ क्लासेस मिस हो गई है और वो आकर मुझे समझना चाह रहा है तो वो लोग भी मुझे कॉल कर लेंगे ठीक है आफ्टर फाइव टू टेन मिनट्स आई एल डिस्कस कोई हैं ऐसे जो चाह रहे हैं कि पिछली कुछ क्लासेज हैं उसको कवर अप करना है लेट्स एस एच एम या ग्रेविटेशन तो मेरे पास उन बच्चों के लिए एक प्लान है तो आई एल कॉल या आप लोग कॉल करोगे तो आई एल डिस्कस कि कौन कौन है

शुभांजली एंड ओके ठीक है तो राहुल आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर है ना एस एच एम वो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी क्लासेज एस एच एम की ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑन द यूट्यूब चैनल ठीक है सो एस एच एम आई सेंड यू द लिंक इफ यू डोंट हैव इट ऑलरेडी सो आई सेंड यू द लिंक फॉर द एस एच एम वाला चैप्टर ठीक है इसके सो आई बेसिकली डोंट अपलोड ऑल माई वीडियोज आई अपलोड सम ऑफ द वीडियोज टू द चैनल और ये कुछ भी इसीलिए अपलोड किए क्योंकि आप लोगों ने खास रिक्वेस्ट किया था है ना तो हो सकता है कि कुछ समय में ये वापस डाउन हो जाए फ्रॉम देयर तो इसीलिए उस पर डिपेंड मत करना समझना नोट्स बनाना मुझसे पूछना कि सर हमने कैसे किया अगर कोई चीज़ नहीं आई है और अपन डिस्कस कर लेंगे ठीक है और अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं ग्रेविटेशन ठीक है उसमें आपने लगभग सब कुछ समझ लिया है छोटी छोटी दो तीन चीज़ें हैं लेट से इंटीग्रेशन का यूज है ग्रेविटेशन में कैसे करते हैं या फिर uh, तो आई थिंक राहुल और चैतन्य आप लोग समझ सकते हो इंटीग्रेशन का यूज सो डू वन थिंग आज थोड़ा सा नोट्स को देखना है ना जस्ट सी द नोट्स वंस एंड सेव आई एल से श्रेयांश एंड आई थिंक शिवाशली इज नॉट हियर ठीक है तो श्रेयांश एक बार थोड़ा सा देखना महवेश uh, चैतन्य है ना इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन अगर बन जाते हैं अच्छी बात है नहीं बनते हैं तो अपन आपके साथ बैठ के वो भी सॉल्व कर लेंगे साथ साथ मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया ऑर्बिटल वेलोसिटी का ठीक है तो वो भी एक बार ग्रुप पे मैंने जो नोट्स डाले हैं उसको चेकआउट करना आज के लेक्चर को अगर समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा ठीक है ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया है और इंटीग्रेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं ठीक है एसएचएम काफी सिंपल चैप्टर है ग्रेविटेशन की तरह सो हैव अ लुक एट द यूट्यूब वीडियोज़ बहुत यूट्यूब वीडियोज़ आपके पास है ना जो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको आई शो की कैसे जाना है सो आई जस्ट ओपन एट वेट अ मिनट तो आप लोग को कहाँ से वीडियोज देखने हैं जल अभी मैंने इनको ओपन टू ऑल किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बट सोन इनफ यू माइट ठीक है सो so, लेटेस्ट आपको बस जाना है यू हैव टू राइट फिजिक्स विद फतनानी ठीक है गो इन साइड यहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है वीडियोस अवेलेबल है ना तो गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन इसमें चूज क्लास एलेवेंथ सो इसमें आपको नीचे जाना है और नीचे कीप गोइंग आपको यहाँ पे क्लास इलेवेंथ ही रहा so, देखो यहाँ पर आपको क्लास इलेवेंथ की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी क्लास फिजिक्स गो दैट दैट है ना इन पर फ्रॉम द साइड यू कैन ठीक है आपको कौन सा पॉइंट चुनना है तो यहाँ पे यू हैव ऑल द दीडियोज रिसेंट वीडियोज आपको मिलेंगे और शुरुआत वाले वीडियोज मिलेंगे ठीक है तो जहां से आपके पास ऑसिलेशन लिखा हुआ है ना ऑसिलेशन वन टू थ्री फोर ये आप सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड करो के ठीक है फ्रॉम हियर हियर ये ये वाले पॉइंट्स हैं दिस ओवर अटेंड करना शुरू करो यहाँ से ठीक है क्लास इलेवेंथ फिजिक्स जे जे एंड नीट राइट आपको यहाँ मिल जाएंगे क्वेश्चन तो इनको वैसे देखो एक एक, एक, एक से डेढ़ घंटे के लेक्चर्स हैं तो आप एक दिन में सब नहीं कर पाओगे रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ठीक है करते जाओ वन वीक एक चैप्टर को दो फिर अगला वीक एक और चैप्टर को दो अपने हिसाब से टाइम निकाल के हर सैटरडे को या संडे को अपन मिल लेंगे और उस दिन आप मुझसे डाउट्स पूछ लेना जो जो चीज़ें इन लेक्चर्स में नहीं आई समझ में यू कैन जस्ट कम विथ मी एक आधा एक घंटा बैठो और समझ लो जो जो नहीं हुआ क्लियर ठीक है, है और नोट्स बनाना है सिर्फ देखना मत ठीक है वरना तो कुछ आएगा ही नहीं समझ में या आएगा भी तो आधे घंटे में एक दिन में भूल जाओगे ठीक है सो दिस इज़ व्हाट अच्छा श्रेयांश तुम्हारे लिए और शिवांजलि इज नॉट हियर कोई भूल भी गया हो होल से तो यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में क्लासेस दी है ना बेसिक्स वो वीडियोज डले हुए हैं तो वैसे थर्टी थ्री वीडियोज हैं है ना थर्टी थ्री वीडियोज है वैक्टर्स के मैथमेटिकल टूल्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ठीक है तो इनको आप फिनिश कर लो ये बेसिक है कानामेटिक्स बेसिक काइनामेटिक के भी वीडियोज हैं राइट तो इनको फिनिश कर लो राइट हर एक एक वीक आओ और साथ साथ वीडियोज के जो जो डाउट हो वो पूछते जाओ राइट